दीपाली ग्रोवर। उत्सव आर्ट के द्वारा आयोजित किया गया ये एक बहुत अच्छा आर्ट एग्जीबिशन है, जिसमें उन्होंने पोस्टकार्ड्स पर हमें आर्ट बनाने को कहा, विच आई रियली लव डूइंग। दिस इज़ बेस्ड ऑन द ओल्ड टाइम्स दैट वी हैड, तो मैंने इसमें बिल्कुल अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा है थ्रू माई आर्ट। ऑल्सो आई हैव रिटन अ पोइट्री ऑन इट विच आई वुड लाइक टू स्पीक। द पोइट्री स्टार्ट्स एज फसाना बचपन का, आज फिर हुई बचपन से शुरू मुलाकात, वो कहानी कथन की शुरुआत, चारपाई पर दादी के रूबरू करते थे चांद की जुस्तजू। बहुत अजीज थे दिन बचपन के, कागज़ की नाव तराते थे, क्यारियों पर टर्राते मेंढक मन मेरा महकाते थे, ट्रिन ट्रिन टेलीफोन टेप रिकॉर्डर के गीत, संगीत सुन सुनकर दिन रहन गए बीत। अल्फाजों का दौर था वो जो खत में लिखे जाते थे, डाक घर से लेकर सीधा घर मेरे पहुंचाते थे। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Harsh Inder Luma. I'm an intuitive artist and I'm a part of this exhibition called Yaadein. Very special project, as this covers male art. The post we used to write earlier, now people do not write letters anymore. So this was a very special project and I really thoroughly enjoyed, as this is my smallest artwork till date. And what I've tried to show here is, the title is called The Lovers, and what I've tried to show here is that our love, the way we write letters, the same way the love transcends even beyond this world, and it lives on. The letter writing will, the art of letter writing will also live on, and we must celebrate that. It was a very special thing when people used to write letters to each other. Even pigeons, through pigeons they used to send letters. We do not do that anymore. So I really thoroughly enjoyed. Please have a look at this artwork and I hope you like it. Hello, मैं राम प्रत्यार राजस्थान के छोटे से शहर बूंदी से। यादों की एग्जीबिशन में मैंने अपनी यादों को एक्रेलिक रंगों से यहाँ पर पोस्ट कार्ड पर सजाने का प्रयास किया है। इसमें अंदर की मेरी फीलिंग्स जो कलर के साथ बही है, एक प्रवाह है, रंगों का रिदम है, फॉर्म का, आकारों का एक रिदम है, एक संयोजन है, एक आनंद है मन की गति का, वो यहाँ पर मैं अपने कलर और पोस्ट कार्ड के कंपोजिशन के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रितु सक्सेना, प्रमोटर उत्सव ग्रुप। उत्सव ग्रुप की ये थर्ड एग्जीबिशन है। इसमें हमारे साथ पूरे देश से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। कैनवास पेंटिंग के साथ हमारा यहाँ पे कुछ पोस्टकार्ड पे भी बेस्ड पेंटिंग्स हैं। हम कुछ ना कुछ यूनिक करने की हमेशा कोशिश करते हैं और इसी में हमारा ये प्रयास है पोस्टकार्ड पर पेंटिंग, जिसका नाम है यादें। इसमें हमने आर्टिस्ट को पोस्टकार्ड्स दिए हैं पेंट करने के लिए और आर्टिस्ट ने बहुत प्यारा मिनिएचर वर्क हमें बना के दिया है। इस इवेंट का जो हमारा मोटिव है वो ये था कि आजकल के जो इंटरनेट का एरा है, इसमें हमारे 20 इनलैंड पोस्ट कार्ड्स गायब से हो गए हैं। पुराने समय में हम उसमें संदेश लिखकर भेजा करते थे, तो एक पर्सनल टच रहता था। तो हमारा मोटिव यही था कि हम फिर से इनको अपने बीच लेके आए, लोगों के बीच में, और उस एरा को हम फिर से महसूस करें। तो और जो भी ये अपनी बात कहने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो कला ही होती है, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो विजुअल आर्ट हो। तो हमने आर्टिस्ट को ये पोस्ट कार्ड देके उस पर पेंट कराया है और हमारे साथ इसमें कुछ बच्चे भी जुड़े हैं। पहले हम बच्चों को नहीं दे रहे थे बट बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें हमारा मोटिव, हमने लोगों से ये बोला है कि आप जो वर्क हमें वापस करो ना, वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही वापस करो, मतलब एटलीस्ट आप पोस्ट ऑफिस तक जाओ तो सही। तो बस हमारा यही एक प्रयास है छोटा सा, और इसमें हमें
सबका बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है. थैंक यू ऑल. सभी चित्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और विशेष रूप से ऋतु जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया और एकदम अभिनव तरीके से उन्होंने पोस्ट कार्ड पे कुछ करने का प्रयास किया. और भी जो चित्र हैं जो पोस्ट कार्ड से अलग है. आज का जो एग्जीबिशन है इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ द पेंटिंग्स ऑन द पोस्ट कार्ड्स. पोस्ट कार्ड्स हम यू नो आई रिमेंबर इन आवर यंग डेज वी यूज टू हैव द पोस्ट कार्ड्स एंड दैट पोस्ट कार्ड्स यू नो कैन बी रेड बाई एनी बॉडी because this has got no cover, not the postman, but anybody can read the thing. So one has to be very careful about the language, you know, what we put in. So obviously we can't, you know, write love letters in, you know, in postcards. So it has to be probably, even if you express your love, probably the wording should be such that, you know, people cannot, you know, decipher it quickly. So that kind of thing. But, you know, it's very nice to see that kind of postcards today again after a long time. And well, I feel very happy that postcards, which is more or less a defunct one actually now in the post office, so that used to transport the messages and the feelings of people, and today that card is used actually again to to transport messages with some drawings and paintings, and this is a very novel idea, very good idea, and we appreciate. And in addition, actually, there are some other paintings also. Those are also, you know, very good. And well, I congratulate all the artists. I thank all the artists, and they have taken a lot of pain to put up such a big show. All these days, the postcards are not being used, and it is substituted by internet. Now, showcasing exhibition of postcard is a unique idea. And unique idea of Miss Saxena, for which I commend her. Again, all the paintings and all the artwork on the display is extremely good, attractive, and very beautiful. I convey my good wishes to all the participating artists for their contribution in the exhibition, and I wish them all the success and bright future. I also thank Ms. Saxena for holding this captivating exhibition and showing it to all the persons present. Thank you.